शादी करती है यो, कि उसका घर होगा, उसका पति होगा, उसका बच्चा होगा, और सामने वाला जब ऐसे निकल जाता है ना कि वो आपका आपका बैकबोन तोड़ना चाहता है, आपको फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहता है, कि पैसे तो सबको चाहिए होते हैं, तो इसको काम मत करने दो, पैसे नहीं होंगे तो हमारे पास आएगी, तो हम सीधा ये बोलेंगे तो हमारा ये काम करते, हम तुझे पैसे देते हैं। मैं इमोशंस लेके चल रही थी, ये लोग षड्यंत्र लेके चल रहे थे इस शादी में। सॉरी, मैं जितना शादी बचाने के लिए सह रही थी, हर दिन एक नई नौटंकी, उसकी मम्मी की, उसकी बहनों की, जितना मैं सह रही थी उतना ही ज्यादा ये लोग गंद पे आ रहे थे। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम सभी समानता की बातें काफ़ी करते हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, इसके बावजूद जिस तरह की घटनाएं हमारे देश की महिलाओं के साथ घट रही हैं, उन्हें देखकर सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं, क्या हमारे देश की नारी आज़ाद है, क्या देश में सही मायनों में नारी को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। हम एक तरफ नारी सर्वत्र पूज्यते की बातें करते हैं, तो वहीं कुछ पुरुष आज भी अपनी पत्नी के साथ गुलामों की से भी बदतर व्यवहार करते रहते हैं। ऐसा महज गांव या कस्बों में नहीं हो रहा है, बल्कि इस तरह की पुरुष मानसिकता महानगरों में रह रहे अभिजात वर्ग के पुरुषों में भी कुछ ज़्यादा ही पनपती जा रही है। यह एक कटु सच्चाई है जिसे हर समाज व पूरे देश को लड़ना होगा। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई महानगर में पली भरी और सगुन सहित तमाम सफलतम सीरियलों की मशहूर अदाकारा सुरभि तिवारी की, जिन्होंने लगभग 3.5 वर्ष पहले प्रवीण कुमार सिन्हा से विवाह रचाया था, मगर शादी के सप्ताह भर बाद ही उनकी जिंदगी नरक में बदल गई। एक भारतीय नारी के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए सुरभि तिवारी ने हर तकलीफ को सहते हुए अपने वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास करती रहीं, मगर उनके पति दिन प्रतिदिन अपनी हदें पार करते चले गए और अब सुरभि तिवारी ने अपने पति के खिलाफ हर तरफ मदद की गुहार लगाई है। आज हम फिल्म संगम चैनल पर अभिनेत्री सुरभि तिवारी से ही बात कर सच जानने का प्रयास कर रहे हैं। सुरभि तिवारी जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे पता है कि जब आपका करियर अच्छा चल रहा था, तब किस आधार पर आपने प्रवीण सिन्हा के साथ शादी करने का विचार बनाया और कैसे पहले मुलाकात हुई थी? देखिए, मैं क्योंकि 13 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आ गई थी और बहुत छोटे से मैंने इंडस्ट्री बहुत देखी हुई है। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब से तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और मुझे आफ्टर अ पॉइंट मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब घर जाऊँ तो मुझे कैमरा, TRP, चैनल का ये फीडबैक है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना पड़े। मैं किसी ऐसे से शादी करना चाहती थी जो मेरी फील्ड का नहीं हो, कुछ घर जाओ तो कुछ अलग हम बात कर सके, मे बी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ और हो, और हमारी फील्ड में तो हमको हमारे जैसे लोग ही टकराएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे इंडस्ट्री में लोगों ने अप्रोच नहीं किया था शादी के लिए, बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू समबडी जो मेरी फील्ड का ना हो। सो इसीलिए मैरिज ब्यूरो में जाना इसलिए ठीक लगा। रीज़न ये था कि मैं 22-25 दिन शूट करती हूँ, हमारा 1:30 का कॉल टाइम होता है, हम रात को 10:15 के पहले 10:30 के पहले क्या ही घर आते हैं, तो ऐसे में जब आपके पास इतना लोगों से मिलने का टाइम नहीं होता तो एक 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 जरिया आप रख लो जो आपके लिए ये सब काम करे। तो मैरिज ब्यूरो जो था वो एक जरिया था, तो उनको मैंने बता दिया कि देखिए ऐसे ऐसे रीज़न है एंड आई डोंट वांट टू गेट मैरिड इन माय फील्ड, तो आप लोग ही मेरे लिए देखिए। तब प्रवीण का वहाँ से प्रोफाइल एक्सचेंज हुआ था, और ये बात है 2017, मतलब लोग, मैं जब कमेंट पढ़ रही हूँ अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि लोगों ने बोला है कि अरे इतने सालों से इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो आपके पास अभी कैसे ऐसे पैसे नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि 2017 एक रिश्ता साझेदारी का ऑफर गया और मेरे को एक्टर, क्योंकि प्रवीण की प्रोफाइल उन्हीं लोगों के सामने आई थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि और भी प्रोफाइल्स आई थी, तो जैसे कह रहे इतनी अच्छी सी प्रोफाइल आ रही है, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम देखो 5 दिन पहले मेल आई है, तुम अब पढ़ रही हो, तुम कब रिस्पॉन्स दोगी। तो मतलब सुनैना फौजदार जो है, ममता वर्मा है, नयन भट्ट है, सूरज थापड़, नितेश पांडे और जो भी मेरे बच्चों के रोल कर रहे थे, सबने बोला कि आप है ना अभी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए आपके करियर से, बिकॉज आपका फोकस ही नहीं है आपकी शादी पे, इसलिए इतना लेट हो रहा है, तो आप प्लीज फोकस रखो। तो ये डिसाइड हुआ कि हम काम नहीं लेंगे, 2017 में शो बंद हुआ, काम नहीं लेंगे, फोकस करेंगे, फ्री रखेंगे अपने आप को ताकि आप ये कर सकें। उसके बाद में 2 सितंबर एंड में प्रवीण की मॉम से मेरी पहली फोन पे बात उसकी मम्मी से हुई, और अक्टूबर में मैं और प्रवीण हम लोग फोन पे बात करने लगे। अक्टूबर 30 को हम मिले, 6 नवंबर को हम मिले, जनवरी से हमारी बात ज़्यादा होने लग गई, जनवरी फरवरी मार्च, बट मैं ना टाइम ले रही थी,
मतलब जब प्रवीण से मेरा पहला फोन कॉल हुआ तो मैंने सबसे पहली लाइन यही बोली, देखिए माँ से इस बारे में बात करने का मतलब नहीं, बिकॉज उनकी लाइफ, वो पॉलिटिशियन है और वो कार्यकर्ता है बीजेपी की, उनकी अपनी लाइफ है। मेन जो शादी में रहना है वो हस्बैंड के साथ रहना है। सही बात। तो इसलिए मैंने फोकस रखा कि प्रवीण मैं मेरा करियर नहीं छोड़ूंगी, मेरा करियर बॉम्बे है, मैं बॉम्बे में हूँ, तो कैसे शादी कैसे चलेगी। तो ये सब कि मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ, मैं तो पैदा हुआ आरा में, पला बड़ा आरा पटना दोनों जगह पे, काम के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे मेरा फ्यूचर सबसे ज़्यादा फ्लाइटें कैपिटल से तो उठती है, तो इसलिए था कि वहाँ पे ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा अच्छी होगी, दैट्स व्हाई शिफ्टेड टू दिल्ली। मेरे बहुत सारे दोस्त बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं जो एविएशन की हैं, मेरे साथ के ही पटना की है, मैं भी शिफ्ट कर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तो ठीक है, अगर ये तय है कि तुम शिफ्ट हो जाओगे तो मैं तुमसे मिलूँ, वरना मैं मिलूँगी भी नहीं, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। तो ये बात बहुत ही क्लियर थी डे वन से कि वो बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है, और तब मैंने उसे मिलना या मैंने उसे बात करना शुरू किया। एंड फिर हमारी शादी हुई, और शादी होते ही देखिए, एक तो ये लेट शादी थी, उसकी भी लेट शादी थी, मेरी भी लेट शादी थी। तो मैं एक लड़की शादी के बाद क्या चाहती है, एक घर चाहती है, चाहती है कि उसका पति उसके साथ में रहे और बच्चे हो जाए वक्त पे। मैंने बहुत ही क्लियरली प्रवीण से बात की थी कि क्या तुम बच्चों में इंटरेस्टेड हो, अगर वो हाँ बोलता है तो वो मेरी टाइप का है, अगर वो ना बोलता है तो फिर मतलब नहीं है शादी का भी। तो उसने वो तो मुझे समझाता था, बिकॉज मैंने बहुत टाइम लगाया है, मैंने ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल मई तक मैंने टाइम लिया है उससे, मैं बात कर रही थी और शादी के लिए मैंने हाँ बोलने के पहले मैंने काफ़ी टाइम लिया है उससे। तो भाई सर हाँ हाँ तुमको शादी करनी नहीं चाहिए, अगर मुझसे शादी नहीं करो तो किसी और से कर लो, लेकिन वक्त पे कर लो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें माँ बाप कहने चाहिए, दादा दादी नहीं कहने चाहिए, बहुत लेट हो जाएगा। तो वो ऐसे दिखा रहा था कि उसको बच्चों का बहुत चाव है और उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, वो ऐसे उसने दिखाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों एक पेज पे हैं। तो ठीक है, फिर बात आगे बढ़ी। उसकी मॉम जब घर आई थी, मैं अक्टूबर में घर आई थी जब वो पहली बार, तब भी ठोक बजा के सब बात हो गया था कि प्रवीण बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है और हम लोग कैसे रहेंगे एवरीथिंग, यू नो। फिर शादी हुई, और शादी होते ही विद इन 48 आवर्स में बंदा पलट गया कि मैं तो 6 महीना बच्चा नहीं करूँगा। तो वो ये रीज़न था उसका, उसकी माँ और उसकी बहनों का ये प्लान था कि अगर ये हमारे हिसाब से चलती है, ये एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स भी करेंगे, ज़्यादा पॉलिटिक्स करें एक्टिंग कम करें, या फिर अपने दोस्तों से, मेरे दोस्त टचवुड हैं 10,000 करोड़ के ऐसे दोस्त हैं मेरे, तो या तो वो फैमिली जो बड़ी बड़ी फैमिली इनके दोस्त हैं उनसे ये पैसा ला के दें, हमको बिजनेस में हेल्प करें, मतलब आइडिया ये था कि ढेरों पैसा ला के दें, अगर ये वैसी है तो तुम इसके साथ बच्चा करो, नहीं तो बच्चा करने की जरूरत नहीं। तो ये 6 महीने का जो टाइम दिया था ना, वो ये फैमिली देखना चाहती थी कि ये हमारे टाइप्स की है कि नहीं है, बिकॉज ये जो परिवार जो है ना, इसकी माँ ने किसी भी बच्चे की शादी वक्त पे नहीं की, बेटी बेटियां दिल्ली में हैं सब, वहां पे तुम जाओ वहां कमाओ क्योंकि बड़े शहर में बड़ा पैसा है, वो अपना पटना में लगी रही। 2010 में मायावती की पार्टी से, बीएसपी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बांकीपुर करके कोई जगह है पटना में, वहां से उनको 500 वोट भी दिया है, 495 वोट आए से। उसके बाद में 2 साल वो पासवान जी की पार्टी में थी, वहां पर भी देखिए आप में कुछ स्पार्क होगा तो ही तो कोई आपको टिकट देगा ना, वो स्पार्क उन लोगों को नजर नहीं आया इनमें, तो वहां पे भी इनका कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने वो छोड़ दिया, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, आई थिंक 2013-14 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। फिर बीजेपी भी में काफी स्ट्रगल कर रही थी, 2017 में इनका एक्सीडेंट हो गया, पैर में रॉड डल गया, तो इनकी ये प्लानिंग हुई कि अब किसी ऐसे को लाया जाए क्योंकि वो अब भाग दौड़ कर नहीं सकती। तो मुझसे शादी करने का ये था कि मैं फेस रहूंगी और दिमाग प्रवीण और उसकी माँ का चलेगा। तो आप जो कर नहीं पाए, आप शायद आपकी रीढ़ की हड्डी में इतनी क्षमता नहीं थी, लोगों में आपको वो चीज दिखाई नहीं दी, इसलिए आप दूसरे की घर की आपकी खुद की बेटियों ने सपोर्ट नहीं किया। श्वेता सिन्हा जो प्रवीण के मतलब इनकी जो बीच वाली बच्ची है, श्वेता सिन्हा जो है वो उसको पायलट बनना ही नहीं है, वो 2006 से 2005 से जो मैं सुन रही हूँ, आज 22 हो गया उसका, अभी तक सीपीएल क्लियर नहीं हुआ है। जो लड़कियां 6-8 महीने में चाहे मियामी जाए, चाहे वो फ्लोरिडा जाए, किसी और कंट्री में जाके कोर्स करे, ये फिलीपींस 4 बार गई, इसका अभी तो कोर्स नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़की करना ही नहीं चाहती है। आप उस लड़की की शादी कर नहीं रही थी कि
तुम पायलट बनो, वो भी पायलट बनेगी, सब मुझे 3 करोड़ लाके दो, मुझे विधायक बनाओ। प्रवीण की माँ को पैसा तो चलो है ही, पैसा तो डिसेंट है क्योंकि इनको भाई था नहीं, तो मायके की सारी प्रॉपर्टी मिली हुई है। तो प्रवीण के पापा भी काफी डिसेंट कुछ कर चुके हैं, प्रवीण खुद काफी अच्छा करता है, लेकिन इनको ना पैसे के साथ साथ इनको पावर का भी बहुत नशा है। मतलब उनको अब पॉलिटिक्स आपको दोनों चल देता है, पैसा भी देता है और आपको पावर भी देता है। तो इसीलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं तो, प्रवीण के पापा तो चाहते थे कि प्रवीण इंजीनियर बने और एक नॉर्मल अपर मिडिल क्लास जिंदगी जिए, लेकिन प्रवीण की माँ बहुत ही ओवर एम्बिशियस औरत है, ये सारी प्लानिंग उसकी की हुई है, बेसिकली शी इज द मास्टरमाइंड। लेकिन प्रवीण को ये समझना चाहिए कि माँ की तो वैसे ही हालत ठीक नहीं है, ये आज है पता नहीं और कितने दिन रहेंगी। माँ की वजह से जो हमने पूरे खानदान में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा किया हुआ है, इनका प्रवीण लोगों का ना मायके में जमता है ना ससुराल में जमता है, सब जगह प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर चुकी है वो। जहाँ ये जो पटना का जो घर है वहां पर भी, उस गली में भी उनकी झगड़े हैं, किसी के साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं है। द्वारका में भी नीचे वाले अंकल ने पुलिस बुलाई है, तो इनका जो इमीडिएट आसपास जो लोग हैं उनका इनके साथ पटरी नहीं खाता है, दूर दूर के लोगों को तो पता ही नहीं कि हाउ सीरियस यू नो। शादी के पहले आपकी मुलाकातें हुई थी, क्या आपको समझ में आया था कि उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है या नहीं समझ पाई आप? नहीं, देखिए प्रवीण ज्यादातर बात तो प्रवीण करता था मुझसे, और उसकी हर बात में मैं आपको चैट्स दिखाऊंगी ना, जो मैंने पुलिस को देने के लिए, कोर्ट में देने के लिए प्रिंट आउट निकाले, उसकी चैट में 10,000 मुझे जगह भेजा गया है, रनवाल जाइए आप वहां देख के आई, जुहू में मैं प्रॉपर्टी देख कर आई हूँ, मैं गोरेगांव प्रॉपर्टी देख कर आई हूँ, ओशी वाला प्रॉपर्टी देख कर आई हूँ। उसने खुद मुझे फॉरवर्ड्स किए हैं कि अच्छा तुम भी नजर रखो, यहाँ कहीं फ्लैट आ रहा है तो मुझे, मैं तो अपने घर में रहूंगा ना, मैं घर दवा थोड़ी ना रहूंगा, मेरा खुद का स्वाभिमान है, ये इसकी लाइनें होती थी। अच्छा। मेरी बीवी मेरे घर रहनी चाहिए, मैं थोड़ी ना बीवी के घर जाके रहूंगा, और अब ये हालत है कि हम तुम्हारे घर में आके रहेंगे, अब उसको घर दवा बनना है। उनका यही है कि इसके लिए हम क्यों 3-4 करोड़ का मकान खरीदें, वो पैसा हम पॉलिटिक्स के लिए रखेंगे तो मेरी माँ विधायक बन जाएगी तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, या वो पैसा हम बड़े बिजनेस के लिए रखें तो वो पैसा लगाएंगे तो उससे और ज्यादा मतलब 1 करोड़ 1 करोड़ 7 लाख तो 18-19 का है जो उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, जो अभी भी प्रिंट आउट के निकले हुए हैं, 1 करोड़ 7 लाख तो इसका एक साल का आमदनी है जो उसने इनकम टैक्स 18-19 में फाइल किया है। तो ये, और जब वो बात करता था ना तो वो सिर्फ हम ऐसे रहेंगे, हम साथ में जाएंगे, वो यही सब दिखाता था कि वो बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है, और वो तुम ना फिल्में करना, तुम टीवी सीरियल मत करना, फिर तुम क्या ना बहुत बिजी रहोगी ना, थोड़ा टाइम दो शादी को भी, और तुम वेब सीरीज करो बिकॉज वो 2-3 महीने में खत्म हो जाती शूट करके, फिल्में करो तुम, क्यों टीवी सीरियल, वो बाद में मुझे पता चला क्यों टीवी सीरियल नहीं करना, बिकॉज टीवी में बहुत पैसा है, बहुत सीरियस पैसा है, मैं महीने की 22 दिन शूट करूंगी तो मैं एक अच्छा खासा अमाउंट कमा लेती हूँ। तो वो रीढ़ की हड्डी मेरी तोड़नी थी, हर एक इंसान का फाइनेंस उसका रीढ़ की हड्डी होता है, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो तो ये पैसा नहीं होगा, तो पैसे के फिर हमारे तरफ आएगी तो हम जैसा चाहेंगे फिर वैसा, पैसा चाहिए तो जो हम बोल रहे तू करने, तुम्हारे पास पैसा नहीं तुम्हारे लिए, ये शुरू हो गया। शुरू में जो था वो यही दिखाता था कि यू नो वो एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, और उसको बच्चे कितने पसंद है, और घर ऐसा बनाएंगे, घर वैसा बनाएंगे, शादी भी हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब पूरा शादी का डेकोरेशन वगैरह एवरीथिंग वो आके यहाँ पे इसी सोफे पे बैठ के उसने सब किया हुआ है। तो वो ये दिखा रहा था, मैं इसका रीजन मैं बताती हूँ वो क्यों ऐसे कर रहा था, बिकॉज पिछला जो प्रवीण की सगाई हुई थी 2008 में, वो लड़की भी एक्टर थी, उसने 2 फिल्म की थी देवानंद जी की, और मैं नाम नहीं लूंगी डेफिनेटली, किसी की आइडेंटिटी मुझे रिवील नहीं करनी है। बाद में वो एयर होस्टेस बन गई, और दिस इज हाउ ये प्रवीण और वो कॉन्टेक्ट में आए थे, और उस लड़की को भी इन लोगों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया सगाई के बाद में ही। वहां पर ये लोग अपनी असलियत है ना सगाई के बाद में दिखाना शुरू कर दिए, प्रवीण और उसकी मॉम को टॉर्चर करना शुरू कर दिए थे कि तुम एक काम करो, हम पैसे लगाते हैं तुम पायलट बनो, हम पैसे लगाते हैं तुम पायलट बनो, तुम भी पायलट बनो, मैं भी पायलट बनता हूँ, तो हम पैसे कमा के मम्मी को देंगे, मम्मी को विधायक बनना है, मम्मी को सी पॉलिटिक्स में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत इजी नहीं है, मेरे नाना तो खुद 35 साल कांग्रेस की सीट लेकर आए तो मैं जानती हूँ।
तो उसको टॉर्चर करने लगे, और जब क्या होता है ना, जब आप इन लोगों की बात नहीं मानो ना, तो ये लोग बदतमीजी पे उधर आते हैं, ये लोग चिढ़ जाते हैं, बदतमीजी पे उधर जाते हैं। तो एग्जैक्टली इन लोगों ने यही किया, बट वो लड़की भाप गई और उसने तुरंत सगाई तोड़ दी, और फिर तो उसने एक पायलट से शादी कर ली, बहुत खुश है, दो बच्चों की माँ है आज की डेट में वो। तो शादी के बाद कब आपको लगा अब ये बदलता जा रहा है इंसान? विदिन 48 आवर्स भी नहीं हुए शादी होके, आज रात में शादी हुई, पूरी रात तो हम लोग यहाँ पे बैठ, पूरी रात नेक्स्ट डे हम लोग पूरा वाइंड अप कर रहे थे, रात पूरी रात तो हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे थे, बिकॉज गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, रनवे बन रहा था, गोवा पहुंचे एंड विद इन 48 आवर्स ही सेड कि मैं तो 6 महीना बच्चा नहीं करूँगा। तो मैं ऐसे शॉक रह गई कि ये तो मुझे समझा रहा था बंदा, और अभी ये खुद ही बोल रहा है कि मुझे करना नहीं, तो ये तो विद इन 48 आवर्स बदल गया वहीं से ही उसका। और धीरे धीरे जब मैं गोवा के बाद जब हम लोग उसके घर गए, तो धीरे धीरे इनकी ना आपस में बनती नहीं है, प्रवीण की बहनों के साथ में बहनों बहनों की नहीं पटती है, श्वेता सिन्हा में भी बहुत ज़्यादा नहीं पटती है, प्रवीण की भी श्वेता सिन्हा के साथ इतनी नहीं पटती है। तो वो जब वो झगड़ा कर रहे थे तो मुझे बहुत कुछ समझ में आने लग गया। रिसेप्शन के पहले ही आप हमें लिख के दीजिए कि हम लोगों ने आपसे दहेज नहीं लिया है, और वो हम छपाएंगे और उसका प्रचार करेंगे, तो मेरी मम्मी को इलेक्शन में वोट मिलेगा। तो मैंने कहा ओ प्रवीण, इसलिए तुमने मुझसे दहेज नहीं लिया, बिकॉज तुम ये करना चाहते थे, तो इसका मतलब आप मेरा इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इसलिए आपने दहेज नहीं लिया। बाद में पता चला दहेज क्यों नहीं लिया, अगर दहेज लेते तो पायलट है लड़का, ज्यादा से ज्यादा कैश 50 लाख आ जाता, उससे ज्यादा तो क्या ही आता, ठीक है। लेकिन ऐसी अगर हम लड़की लेकर आते हैं जो पॉलिटिक्स करेगी तो वो हमें 5,000 करोड़ बना के देगी, तो 50 लाख की लड़की हम क्यों लेकर आए, हम ऐसी लड़की लाए जो 50,000 करोड़ बना के दे हमें। ये इनका प्लानिंग था जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे से हो नहीं पाया। रिसेप्शन के बाद में ही ये हर दिन 2 एजेंडा लेके आता था मेरे पास में। पहले तो आए तो बोले कि तुम एक्टिंग करो बट तुम पॉलिटिक्स भी करो, तुम जानती नहीं सुरभि, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, हमने तुम्हारी कुंडली दिखाई है, तुम्हारी कुंडली में तो लक्ष्मी होगी। मैंने कहा मैं जानती हूँ, मुझे पितृदोष नहीं है, मुझे लक्ष्मी योगी मैं जानती हूँ, मेरी कुंडली मैं जानती हूँ, तो तुम्हें तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, तुम कहाँ वो हो, तुम क्या 12-12 घंटे शूट करती हो। तो दैट्स हाउ आई सेड, मैंने तो शादी के पहले क्लियर बोल कर दिया था कि भाई मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करूँगी। फिर बाद में शाम को एक और एजेंडा, आप है ना, मैं आपके नाम पे बिजनेस शुरू करता हूँ। तो ऐसे प्रवीण, सारी प्रॉपर्टियाँ तुम्हारी माँ ने अपने नाम पे करा के रखी है, और वो इसलिए करवाई है क्योंकि कल को अगर बेटे का डिवोर्स होता है तो प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं होगी, तो उसको बीबी को देना नहीं पड़ेगा। बाद में ये पता चला, जिस दिन बेचारे सुशांत सिंह की डेथ हुई तब मैं इसके कोई रिलेटिव से बात कर रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उन्होंने बताया कि मतलब शीज उसकी माँ ऐसे ही है, यू नो, उन्होंने बताया कि ये है ना, शी इज वेरी डेस्परेट, और ये अपने हस्बैंड के साथ रही नहीं है, और इसने यही किया है कि पटना में घर बना लिया, बच्चों को कॉन्वेंट में डाल दिया, और खुद अपने पति के साथ रही नहीं है। एंड ही टोल्ड मी कि ये बेसिकली बीजेपी का जो महिला आयोग जो सेक्शन होता है उसमें शी इज वन ऑफ द हेड। तो ये कानूनी दांव पे जो है ना कि सोना देना है बहू को तो 22 कैरेट मत दो, 18 कैरेट दो, क्योंकि पता है वो श्रीधर है, वो जानती है ये बात, टेक्निकली सारी चीजें वो जानती है कि ये एक बार बहू को चला गया तो फिर ये दोबारा मिलेगा नहीं। तो उन्होंने जो सोना मुझे दिया है वो भी उन्होंने 18 कैरेट में बना के दिया, और बेटे की सारी प्रॉपर्टियां जो है वो अपने नाम पे करो ताकि डिवोर्स होगा तो फिर बहू को देना नहीं पड़ेगा कोर्ट से, क्योंकि सारी प्रॉपर्टियां माँ के नाम पे। बेटियां अगर प्रॉपर्टी बनाती है तो बेटियों को बोलो कि सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम पे खरीदे ताकि उनके पास खुद की प्रॉपर्टी होगी, तो उनको जब उनका अगर डिवोर्स होगा तो उनको फिर पति से मिलेगा नहीं। शी इज टोटली इस फैमिली के लिए शादी जो है वो एक इट्स अ बिजनेस डील बेसिकली, कि हाँ स्पाउस है ना, चाहे वो बहू हो तो भी उससे पैसा बनाओ, चाहे वो दामाद है तो भी उससे पैसा बनाओ, बिकॉज माँ बाप का रिलेशनशिप ही ठीक नहीं है, आपस में दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं था, ये पैसों के लेकर, यू नो, बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिली है, इसे बच्चों में वो साथ में रहना, वो परिवार बनाना, वो चीज़ है नहीं। तो शादी के बाद आप और प्रवीण कब कितने रहे साथ में, कहाँ कहाँ रहे? मेरा तो करियर छुड़वा दिया, और मुझे भी सब यही बोलते थे कि तुमने इतने साल काम किया है सुरभि, 93 से तुम, हम जब भी देखते हैं तुमको शूट करते हुए देखते हैं,
और मुझे जो भी पार्टीज में मिलता था, अरे शादी कर ले यार, तू जब देखो तू शूट ही करती रहती है। तो लोगों ने बोला कि नहीं सुधी, आई थिंक तुम वो अभी फिल्म करो, वेब सीरीज करो, डेली सोप मत लो, तुम्हें अपने पति को टाइम देना चाहिए, यू नो, और दोनों में से एक को तो कमाना पड़ेगा, तो उससे तो आप नहीं बोल सकते, तो तुम अपना थोड़ा ब्रेक दो करियर को और तुम उसके साथ जाओ। तो प्रवीण, मतलब अगर वो एक दिन के लिए भी, उसको कोचिन में भी उसकी फ्लाइट लगी है ना, तो मैं वहां भी जाती थी उसके साथ। अच्छा। सिंगापुर, दो दिन के लिए सिंगापुर, एक एक दिन के लिए दुबई, एक एक दिन के लिए दोहा, कोचिन, कैलीकट, कलकत्ता, आप नाम लीजिए, मैं उसके साथ जहाँ उसका लेवर है मैं नहीं गई हूँ। मैं 4-5 दिन दिल्ली में हूँ, फिर उसके साथ जाती थी, फिर बॉम्बे आती थी, फिर ऑडिशन देती थी, फिर लोगों से मिलना। तो मैं पूरा, मतलब हस्बैंड डिवोटी वाइफ जिसे बोलते हैं, मैं वो हो गई थी। और मुझे भी लग रहा था कि हमारा रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, तो मुझे लोग समझाते थे कि सुरभि तुम ना थोड़ा साथ में रहो, तो तुम एक स्ट्रांग इंडिविजुअल हो, वो एक स्ट्रांग इंडिविजुअल है, तुम दोनों ही सक्सेसफुल लोग हो, तो थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को समझने के लिए। तो मैं वो परिवार के चक्कर में मैं टाइम देती थी, और प्रवीण का ये था कि काम नहीं करेगी तो पैसे तो होंगे नहीं इसके पास में, तो ये बड़ा लॉयर नहीं हायर कर पाएगी। मैं इमोशन के साथ चल रही थी कि मेरा पति है, मेरा परिवार है, और ये लोग टोटली पैसों के हिसाब से चल रहे थे। एक लड़की क्या सोच के शादी करती है, ये लोग कि उसका घर होगा, उसका पति होगा, उसका बच्चा होगा, और सामने वाला जब ऐसे निकल जाता है ना कि वो आपका बैंक बोन तोड़ना चाहता है, आपको फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहता है, कि पैसे तो सबको चाहिए होते हैं, तो इसको काम मत करने दो, पैसे नहीं होंगे तो हमारे पास आएगी, तो हम सीधा ये बोलेंगे तो हमारा ये काम करो, तो हम तुझे पैसे देते हैं। मैं इमोशंस लेके चल रही थी, ये लोग षड्यंत्र लेके चल रहे थे इस शादी में। कब आपको एहसास हुआ कि अब इस आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? मैं जितना शादी बचाने के लिए सह रही थी, हर दिन एक नई नौटंकी, इसकी मम्मी की, इसकी बहनों की, जितना मैं सह रही थी उतना ही ज्यादा ये लोग गंध पे आ रहे थे। बात बदतमीजी जो करता था ये, इसकी बहनें, इसकी मम्मी, वो पहले कमरे में बदतमीजी होती थी, वो बदतमीजी होते होते किचन में आने लगे, हॉल में सबके सामने बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी इतनी बढ़ गई थी प्रवीण की कि वो एयरपोर्ट पे सबके सामने चीता चिल्लाने लग गया था मेरे ऊपर, बिकॉज उनको ये समझ में आ गया था कि भाई हम इसके साथ जैसे भी रहेंगे ये तो शादी चलाने वाले, बिकॉज मैं ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ हमने हमारे माँ बाप में बहुत प्यार देखा है, तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से पैसों के लिए शादी की और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के साथ रही नहीं और तुम उसको सिर्फ पैसों के लिए यूज कर रही थी, तो तुम्हारे तो माँ बाप ही ने आपस में ही पैसों के लिए वो शादी हुई है वो दिख रहा था, वो उसको नोच रहा था, वो उसको नोच रहा था पैसों के लिए। लेकिन हमने ये नहीं देखा हमारे परिवार में, हमने हमारे परिवार में माँ बाप ने बहुत अंडरस्टैंडिंग देखी, बहुत प्यार देखा, बहुत पारंपरिक है वो, बहुत संस्कारी है वो, समाज को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। तो हम उस फैमिली से आए हैं, तो उनको लगा कि वो तो पता था, मेरा बैकग्राउंड तो जानते ही थे, तो उनको पता है अब तो कुछ भी करेंगे, इसकी माँ इतना सही है ये भी सहेगी, हम कुछ भी करेंगे। तो जब एयरपोर्ट पे बदतमीजी, और मैं सबको बोल रही थी तुम लोग मुझे भेज रहे हो वहाँ पर, यू नो ये परिवार वैसा नहीं है, मैं तो रह रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ, मैं झेल रही हूँ, आप लोगों को लग रहा है, बट मैं जाती हूँ तो वो बच्चे के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये बिजनेस करो, उससे पैसा ला के दो, उस फ्रेंड को बोलो पैसा ला के दे, ये कहीं कर रहे हैं। प्रवीण ने, मुझे याद है, 9 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पे उसने बहुत जोर से चिल्लाया मेरे पर, सबके सामने चिल्लाया, खाने की टेबल से उठाया पहले तो जबरदस्ती, वॉशरूम जाओ, और वहाँ छोटा एयरपोर्ट था तो वॉशरूम में टाइम लग गया। मैं एक्टर हूँ, मैं मिसबिहेव नहीं करूँगी किसी के साथ में, ना तो संस्कार है, और एक हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लोग हमको देख के सीखते हैं, अगर हमें ऐसे बदतमीजी करेंगे तो लोग क्या सीखेंगे, तो आपको क्यों में खड़ा होना पड़ता है, छोटा एयरपोर्ट है तो वॉशरूम भी दूरी थे, आए तो आके जोर जोर से हाथ पैर पटक के, यूनिफॉर्म में है वो, कैमराज लगे वहां पर, और हाथ पैर पटक पटक के चिल्लाने लग गया मेरे पर। तो मैं ऐसे सन उसका मुंह देख रही थी कि ये वेल एजुकेटेड है, ये पायलट है, ये मतलब बस इनकी सनक जाती है किसी के ऊपर, हमको और अकड़ तो बहुत है कि हमको कैसे इतना ये लोग वो कर रहे हैं, हमको कैसे वेट करवा रहे हैं। प्रवीण ने ये किस्सा किया, उसके बाद 15 फरवरी को उसकी बहनों ने घर से बाहर निकाल दिया।
कि एक मुस्लिम मसाज वाली घर में मेरे भाई एडमिट था, मेरे पैरेंट बहुत सूजन थी और प्रवीण मुझे यहाँ बम्बई से कलकत्ता बुलाया, एज यूजुअल उसका लेवर है तो मुझे जाना ही है, यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से हम गए अमृतसर, अमृतसर से हम दिल्ली आए। तो मेरा भाई हॉस्पिटल में था तो 3 दिन पापा हैं तो मुझे संभालना पड़ता है, तो मैं यहाँ 3 दिन हॉस्पिटल भागी, भाई घर आया और मैं तुरंत सामान पैक करके कलकत्ता गई प्रवीण के साथ में। पैर इतना मेरे सूज गए थे और मुझे वहाँ पे बुखार भी आ गया था, तो मैंने वहाँ पे प्रवीण को, अब देखिए मैं हूँ नहीं दिल्ली की, हूँ नहीं वहाँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स बने हैं इनसे ज़्यादा मेरे दोस्त उस कॉम्प्लेक्स में, ये लोग वहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, इनकी कोई दोस्ती नहीं किसी से, मैं थोड़े दिन में वहाँ पे दोस्त भी बनाकर आ गई। तो मैंने पूछा यार ऐसे से मुझे मसाज वाली चाहिए तो दे, उन्होंने भेजा। अब हाँ मेरे तो घर में या बॉम्बे में मुस्लिम मसाज वाली काम करती, मेरी हेयर ड्रेसर मुस्लिम, मेरा मेकअप मैन मुस्लिम, मेरे स्पॉट दादा लोग मुस्लिम, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का, कम से कम फिनलैंड में तो कोई फर्क नहीं है। नहीं नहीं नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, हमारे तो पूरे ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग में मुस्लिम लोग ज्यादा सब है, मेन्स काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन दे स्टार्टेड टेलिंग हर कि तुम श्वेता सिन्हा, वो जाके किचन में उसको उसका इंटरव्यू ले रही है, तुम क्या हो आलिया सरनेम है, तो तुम क्या हो खान हो, तो तुमने सर में सिंदूर क्यों लगाया है, तो बोले हम लोग यूपी से हैं इसलिए हम लोग सिंदूर भी लगाते हैं। तो उसे उसको टॉर्चर कर रही है, क्या छू रही है, क्या कर रही है, उसके बाद वो आके बेडरूम में रोने लगे कि आज इस घर में इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया है, ऐसे ऐसे किया है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर प्रवीण गाड़ी में पेट्रोल भराने गए थे, आए तो मैंने बताया प्रवीण ने अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करें, तुमसे बात करें, फरवरी की ठंड में वो लड़की आ रही है, इनकी उम्र की आधी है, तुम्हारी बहन 40 साल की घर बैठी हुई है, ना कोई डिग्री है, ना नौकरी है, ना करियर है, ना शादी है, ना बच्चा है, एक आलू के सैक की तरह बैठी है घर में, वो होती कौन है उस लड़की को जो काम करने आई उसके लिए उसको ऐसे बोलने वाली। तो प्रवीण ने जाके इन लोगों को क्वेश्चन किया, तो शिल्पा सिन्हा आके जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी माँ ने जमीन बेच के तुमको पायलट बनाया है, तो ये घर हमारा है, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टियां हमारी हैं, माँ के नाम पे है प्रॉपर्टियां तो हमारी हो गई ना, बेटियों का हिस्सा है तो हमारी प्रॉपर्टियां है, कमाना एक नहीं धल्ला एक नहीं है, बाप का पैसा उड़ाना है, माँ का पैसा उड़ाना है, दोनों बेटियों ने यही किया है, भाई का पैसा उड़ाना है, 40 साल की कोई डिग्री कोई नौकरी कोई कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करना है, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा जताने सबसे पहले खुद पड़ेंगे, तुम लोग निकलो यहाँ से, दोनों निकलो। और वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के, राजू भैया थे घर के नौकर 24 घंटे वाले, हीरा लाल था मेरे ससुर के मेडिकल अटेंडेंट, मेरे ससुर भी थे उनके सामने इतना कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो उठे हीरा लाल का सहारा लिया, अपने कमरे में चले गए, आपकी बहू को घर से बाहर निकाला जा रहा है, आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप जानते हो अपना करियर बालाजी के दो शो छोड़ के आप एक महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं घर संभाल रही हूँ, मैं दिन में दो दो बार हॉस्पिटल जा रही हूँ, आपकी कोख की जनी आपकी खुद की लड़की 7-7 दिन शिल्पा सिन्हा आपको देखने नहीं आती है हॉस्पिटल, बहू सब कर रही है, आज उसको सबके सामने जलील किया जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप चले जाएंगे अंदर वो करके। तो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस यार, और फिर देन आई सेड, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं इस घर में दोबारा पैर नहीं रखूंगी, आई विल नॉट। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस शादी में नहीं रहूंगी। और तब तक क्या हो रहा था ना, सबको मैं बार 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 चीजें बोल रही हूँ, लोगों को समझ में आने लग गया कि बिकॉज ये चुप है और ये शादी चलानी है इसको, तो इसका हस्बैंड उसको सबके सामने जलील कर रहा है, इसकी बहनें इन्हें ऐसे से घर से कर दिया, तो अब ये बात बहुत ज्यादा ही ऊपर लेवल पे चली गई है। तब मेरे दोस्तों ने देसट की नहीं, तुम एक काम करो अभी लॉयर से जाके मिलना शुरू कर दो, प्रोसेस शुरू कर दो तुम्हारा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब हुआ फरवरी में, हुआ मार्च में मैंने 2-3 लॉयर से मिली, जब तक फिर मेरी एक फ्रेंड है जो एनजीओ चलाती, तो उन्होंने बोला प्रूफ तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम प्रूफ क्या करोगी, ऐसे तो ना डिवोर्स मिल जाएगा तुमको, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग शुरू करो। तो ये जब तक करते करते तब तक तो हम लॉकडाउन में आ गए, और फिर सबको पता है शुरू के 6 महीना कैसे कोविड के निकले हैं, कुछ बाहर नहीं हिल सका, ना मैं लॉयर ढूंढ सकती हूँ, ना मैं किसी से बात कर सकती हूँ, प्रिंट आउट निकालना है किसी को घर पे बुलाओ तो बिल्डिंग वाले किसी को ऊपर आने नहीं दे रहे, मेड तक को तो आना अलाउड नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने जाके धीरे धीरे लॉयर लोगों से मिलना शुरू किया, फिर प्रिंट आउट निकाले, अकेले बैठ के मुझे आता नहीं कुछ करना, मैंने सब कुछ सीखा है यूट्यूब पे कि कैसे किया जाता है। आई हैड टफ टाइम, मैं बता नहीं सकती, आई हैड रियली वेरी टफ टाइम, बट फाइनली मजलिस ने भी बहुत मेरा टाइम वेस्ट किया, 8 महीना मजलिस ने वेट कर दिया बहुत ज़्यादा। फिर मेरे राखी ब्रदर ने मुझे एक धंधा, वैदिका चौबे अगर नहीं होती मेरी लाइफ में तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी, मेरी लॉयर बहुत बढ़िया मिली थी,
सुरभि तिवारी के वैवाहिक जीवन के 3 वर्ष ननक से भी बदतर रहे। सुरभि तिवारी को उनके पट प्रेम कुमार सिन्हा, सास लीला सिन्हा और ननद शिल्पा व शिल्पा ने जिस तरह से टंकिया जिन्ना टॉर्चर उसके सारे सबूतों को हम इसके भाग 2 में लेकर आ रहे हैं।